40 साल के अपने अध्ययन में उन्होंने एक थ्योरी की ये की थी, उन थ्योरी को बनाया था जिसको हम लोग साइको एनालिसिस थ्योरी कहते हैं। और इसका मेन मोटो था कि मेंटल मानसिक रूप से जो बीमार हैं उनके लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए इस थ्योरी के द्वारा हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते थे। अब साइको एनालिसिस थ्योरी क्या है? साइको एनालिसिस जो है वो आपके मानसिक परेशानियों का एनालिसिस करता है और तब आपका ट्रीटमेंट करता है। तो वही लिखा है कि सिगमंड फ्रायड 1856 टू 1939 वाज द फाउंडर फादर ऑफ साइको एनालिसिस, अ मेथड फॉर ट्रीटिंग मेंटल इलनेस एंड आल्सो अ थ्योरी व्हिच एक्सप्लेन्स ह्यूमन बिहेवियर। ये जो मेथड है साइको एनालिसिस है, जो थ्योरी है, इस मेथड का मेनली यूज होता था मानसिक रूप से बीमार लोगों के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है ना? हम यस मैम। बस इतना बताना चाह रहे हैं, आगे हम आगे फास्टली हम चलते जा रहे हैं। आप लोगों को बस थोड़ा जानना चाहिए साइको एनालिसिस थ्योरी जो है वो साइको एनालिसिस थ्योरी फ्रायड का दिया है, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, दूसरा डायनेमिक ऑफ पर्सनालिटी, और तीसरा आपका डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है? अब कह रहे हैं कि फॉर एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए फ्रायड ने डेवलप टू टाइप्स ऑफ मॉडल। जो स्ट्रक्चरल हम लोग पहला पॉइंट आप देखे थे, आप इसमें आप देखे होंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, तो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करने के लिए फ्रायड ने 2 तरह के मॉडल को आविष्कार किया। ठीक है? पहला मॉडल आपका था टोपोग्राफिकल मॉडल और दूसरा मॉडल था आपका स्ट्रक्चर मॉडल। आप लोगों को क्लियर हो रहा है? सबसे पहले फिर से सुन लीजिए, फ्रायड ने साइको एनालिसिस थ्योरी का इसलिए शुरुआत किया क्योंकि इस विधि के द्वारा हम मानसिक रूप से बीमार लोगों का पे अध्ययन कर सकते थे और उनका ट्रीटमेंट कर सकते थे। उसके लिए इन्होंने पूरे जो थ्योरी दिया उस थ्योरी को 3 भागों में बांटा, जो था आपका स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, डायनेमिक ऑफ पर्सनालिटी और डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। अब दूसरा है कि स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी को जो फ्रायड थे उन्होंने 2 भागों में बांट के उसका वर्णन किया। जो पहला भाग था आपका वो टॉपोग्राफिकल मॉडल है और दूसरा आपका है स्ट्रक्चरल मॉडल। ठीक है? अब हम लोग टॉपोग्राफिकल मॉडल में ही हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे कि किस तरह से सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस हमारा ब्रेन का जो पार्ट है, माइंड का जो भाग है, वो किस तरह से काम करता है। यहाँ पे आप पढ़िएगा कि टॉपोग्राफिकल मॉडल, फ्रायड डेवलप्ड टॉपोग्राफिकल मॉडल ऑफ द माइंड। उन्होंने टॉपोग्राफिकल मॉडल एक बनाया माइंड का, वेयर बाय ही डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ माइंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। वो क्या किए, माइंड का एक जो मॉडल था वो बनाए और उसका स्ट्रक्चर और कैसे वो फंक्शन करता है उसके बारे में बताया। ठीक है ना? फ्रायड यूज द एनालॉजी ऑफ एन आइसबर्ग टू डिस्क्राइब द 3 लेवल्स ऑफ माइंड। अब फ्रायड क्या किए कि जो आपका माइंड का जो स्ट्रक्चर है और उसका फंक्शन है उसको बताने के लिए उन्होंने एक आइसबर्ग का यूज किया है। उसको बताने के लिए आप देख रहे होंगे इस फिगर में कि एक आइसबर्ग आपको दिख रहा है, आइस का टुकड़ा दिख रहा है आपको? आपको आइस का टुकड़ा दिख रहा है? नहीं? यस मैम। सबसे ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है? अच्छा, यस मैम दिख रही है, दिख रही है। हाँ ओके, आप ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला पार्ट देख रहे हो आप, ये वाला पार्ट जिसपे हम स्पॉटलाइट दिखा रहे हैं, ये पार्ट जो दिखाता है वो दिखा रहा है कि पानी के नीचे जो सतह है ये सारा पार्ट हमारा सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस का पार्ट है, और जो पानी के ऊपरी सतह में ये वाला भाग, ये क्या, ये पानी का सतह है, पानी का सतह आपको दिख रहा है, ये वाला पानी का सतह, ये पानी का सतह दिख रहा है ना, और पानी के सतह पे जो आइस का टुकड़ा है, थोड़ा सा आइस आपको दिख रहा है, ये आइस का जो भाग है वो आपको दिखा रहा है कि ये भाग हमारा कॉन्शियस माइंड का है, ये भाग हमारा चेतन माइंड का है। हाँ, चेतन वाला भाग है ये हमारा।
कॉन्शियस माइंड का है, उसी को बताने के लिए कह रहा है कि प्रेजेंट माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या हो गया हमारा? प्रेजेंट माइंड हो गया, प्रेजेंट माइंड। हाँ, जैसे अभी अभी हम पढ़ा रहे हैं और आप मेरी बात को सुन रहे हो, तो ये प्रेजेंट में चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है, चल रहा है ना। तो ये वाला भाग, ये वाला जो भाग है, ये मेरा प्रेजेंट माइंड का है, यानी कॉन्शियस माइंड का है। प्रेजेंट माइंड क्या हो गया हमारा? कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को हिंदी में हम लोग चेतन, चेतन मन कहते हैं, ठीक है ना, ये चेतना, ठीक है ना। तो चेतना में जो प्रेजेंटली अभी चल रहा है, ठीक है, अभी जो हम पढ़ा रहे हैं और आप सुन रहे हो, ये वर्तमान है, ये प्रेजेंट में आप सुन रहे हो, तो ये हमारा क्या हो गया? चेतना या कॉन्शियस माइंड, ठीक है। ये हमारा सेकंड, जो आप देख रहे होगे कि पानी की सतह के नीचे वाला भाग है, ये भाग आप देख रहे होगे, आप देख रहे सबकॉन्शियस, हाँ सबकॉन्शियस, ये भाग फ्राइड ने इस भाग को, इस इतने भाग को सबकॉन्शियस का माइंड का सबकॉन्शियस का पार्ट बोला। ये आइसबर्ग क्या है? आइसबर्ग एक मॉडल है आपके ब्रेन को, आपके ब्रेन के बारे में बताने के लिए, ठीक है ना, आपके ब्रेन के बारे में बताने के लिए ये एक